Hello children, how are you? Today we are starting our unit 5 and the name of the unit is Wit and Fun. What is Wit and Fun? Wit and Fun is intelligence and fun is humor. Okay, let's have fun. A sense of humor can brighten life. Sense of humor kya hota hai? Sense of humor वो हमारी समझ होती है जिससे हम छोटी छोटी बातों में हंसने के बहाने ढूंढ लेते हैं, छोटे छोटे कमेंट करके एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं. ओके, ए सेंस ऑफ ह्यूमर कैन ब्राइटन अवर लाइफ. अगर हम इस तरह की हंसी मजाक का माहौल रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. लाफिंग टुगेदर इज अ वे टू कनेक्ट. जब हम साथ में हंसते हैं किसी के तो उससे हमारी दोस्ती बढ़ती है, एक रिलेशन बढ़ता है. अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मेक्स अस विटी, हेल्दी, स्मार्ट एंड बेटर एबल टू कॉप विद डिफिकल्ट चैलेंजेस. कितने फायदे बता दिया आपको अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के. क्या क्या है? विटी बना देता है आपको. विटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट बना देता है. हेल्दी, अगर आप खुश रहते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं. स्मार्ट बना देता है कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हंसी मजाक में टालकर या उसको सॉल्व करने की आपको इंटेलिजेंस आ जाती है. और साथ में ये बेनिफिट होता है कि यू बिकम बेटर एबल टू कोप विद योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट चैलेंजेस. जो भी आपकी परेशानी है, सामने चैलेंज है, अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपको तो उसमें लाइट वे में आप उसको सॉल्व कर जाते हैं और उससे क्रॉस कर जाते हैं. अब इसी पढ़ते हैं. ए रेनबो ट्री, मेक अ रेनबो ट्री बाय यूजिंग ग्लेस पेपर, पेंट एंड क्रेयंस. यहाँ हम थोड़ी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. आपको बनाना क्या है? एक रेनबो. आपको ग्लेस पेपर, पेंट और क्रेयंस यूज करके एक रेनबो बनाना है. रीड दिस शॉर्ट पोयम एंड हैव सम फन. छोटी सी एक पोयम है, इसको पढ़ते हैं और मजे करते हैं. ए चबी लिटिल स्नोमैन, एक स्नोमैन बना हुआ है, किसी ने बनाया है स्नोमैन और वह कैसा है? चबी, छोटा है और थोड़ा मोटा है. हैड अ कैरेट नोज, और नोज कैसी बनाई उसकी? किस चीज से बनाई? कैरेट से. अलोंग केम अ बनी, और वहीं क्या कौन आ जाता है? एक बनी, रैबिट आ जाता है. एंड व्हाट डू यू सपोज, और आपको क्या लगता है वो आने के बाद क्या करेगा? सोचिए. दैट हंगरी लिटिल बनी लुकिंग फॉर सम लंच, और वो छोटा सा रैबिट जो है वो हंगरी है, भूखा है, लंच को ढूंढ रहा है अपने, कुछ ढूंढ रहा है कि कुछ खाने को मिले. ग्रैब दैट स्नोमैन्स नोज, निबल निबल क्रंच. उसने क्या किया? उस स्नोमैन की नोज ही खींच ली, वो खींच कर खाने लगा. निबल निबल मतलब छोटे छोटे पीस करके काट के वो खाने लगा. तो एक छोटी सी फनी पोयम बनाई है जिसमें एक रैबिट के बारे में बताया गया है. आगे देखते हैं क्या है. वर्ड वेब, मेक ग्रुप्स ऑफ 5, ईच वन ऑफ यू विल राइट अ वर्ड इन द वेब चार्ट रिलेटेड टू रेन. कंपेयर योर वेब चार्ट विद दोस ऑफ द अदर ग्रुप्स. क्लास में कुछ ग्रुप्स बना लीजिए, वेब चार्ट बना लीजिए, किसी भी एक वर्ड के लोगे 5, अगर बच्चे होंगे तो 5 वर्ड लिखे जाएंगे वर्ड वेब में. फिर जब आप सारे ग्रुप अपना अपना कंप्लीट कर लेंगे तो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे किसने अच्छा बनाया, हु वॉज एबल टू कंप्लीट एंड हु वॉज एबल टू मेक गुड वर्ड्स. ओके, सो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी बढ़ती है इससे. नाउ वी आर कमिंग टू द स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द क्लेवर बुल. कौन? बुल. और कैसा है? क्लेवर. बीइंग ब्रेव एंड नॉट लूजिंग सेंसेस इन एनी सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ. लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट बताया यहाँ पे? ब्रेव होना और अपनी समझ को कंट्रोल में रखना, बिना डरे बिना घबराए किसी सिचुएशन को फेस करना. ओके, लेट अस बिगिन. देयर वॉज ए फॉरेस्ट विद मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. एक जंगल था, उसमें जानवर थे, बर्ड्स थी, यही होते हैं. वंस अ बुल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट केव अपन ए केव. एक बुल था जो उस जंगल में घूमते घूमते आ गया और उसकी नजर पड़ी केव पर. केव कहते हैं गार, पत्थर के बीच में जो जगह होती है ना रहने की, उसमें. नियर द केव वॉज अ बिग पॉन्ड एंड लश ग्रीन ग्रास. और उस केव के पास क्या था? बहुत अच्छी घास भी थी और पॉन्ड भी था, पानी पीने की जगह भी थी. तो ये दोनों चीजें उसको चाहिए, तो दोनों मिल गई. दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन. उसने क्या सोचा? ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ रहने की जगह है, यहाँ खाने की जगह है, यहाँ पीने की जगह, हर चीज़ अवेलेबल है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको अपना घर बना लेता हूँ. द बुल थॉट, सो ही मेड द केव हिज होम. ये सोचने के बाद उसने उस केव को अपना घर बना लिया, यानी उसमें रहने लगा. मेनी डेज पास्ट, बहुत दिन उसमें गुजर गए. द बुल बिकेम क्वाइट हेल्दी, अच्छा खासा मोटा हो गया, खा पी गए, बढ़िया जगह मिल गई, बढ़िया खाना मिल गया. ग्रेजिंग इन द मीडोज, मीडोज कहते हैं हरे भरे मैदान को, तो उसमें घास खाते हुए वो आराम से रह रहा था, मजे कर रहा था, मोटा हो गया. द बुल वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लिविंग इन दैट केव. उस केव में रहते हुए वो बड़े मजे में रह रहा था, आराम से रह रहा था, कोई खतरा नहीं था. पीसफुल मतलब कोई खतरा नहीं था उसको. ही हैड मेड मैनी फ्रेंड्स इन दैट फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट के बहुत सारे एनिमल्स उसके फ्रेंड भी बन गए. वन डे द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज केव. अपने केव के बाहर एक दिन वो बुल आराम कर रहा था, बैठा हुआ था.
लाइन हैपन टू कम बाय दैट वे, इत्तफाक से एक लाइन उस रास्ते में आ गया, वहाँ से चलता हुआ गुजर के निकल रहा था, उसने देखा द लाइन वॉज हैप्पी टू हैव स्पॉटेड अ बुल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अब लाइन को बड़े दिनों के बाद अच्छे खासा एक हेल्दी बुल नज़र आया, तो उसको देख के वो बहुत खुश हुआ कि ये बुल तो मेरे लिए बहुत बढ़िया खाना बनेगा। आहा अबुल, क्या बात, एक बुल दिखा मुझे आज, ही सो हेल्दी, इतना हेल्दी है। थर्ड द मैजिस्टिक लाइन, मैजिस्टिक मतलब शाही, राजसी, राजा होता ना लाइन जंगल का, तो उसकी शान और उसके लुक्स भी वैसी होती हैं, तो उस मैजिस्टिक लाइन को ये देख, इस बुल को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लिकिंग हिज लिप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ ए गुड मील, और ये सोचते हुए उसने अपनी जबान फेरी होंठों पे कि उसको ये लगा कि अब तो बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। एंटिसिपेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन करना किसी चीज़ की, किसी को चीज़ को आगे सोचना कि ऐसा होने वाला है, तो उसको लंच मिलने वाला है ऐसा सोच के बड़ा खुश हो रहा था वो। द बुल टू नोटिस द लॉइन, अब बुल की भी नज़र पड़ गई कि लॉइन उसको देख रहा है। ही कुड सेंस डेंजर, अब उसको खतरा लगने लगा, महसूस होने लगा कि खतरा है। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ, मुझे अब होशियार हो जाना चाहिए, अपने आप को सेफ करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए सोच लेना चाहिए। द बुल थॉट एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइन, अब लाइन से छुपने के लिए उसने कुछ सोचा कि क्या करूँ। When the lion came close to the bull, अब लाइन जो था वो बुल के पास आ गया। The clever bull looked into the cave and called out, भागने के मौका था नहीं उसके पास, तो क्लेवर बुल ने क्या किया, केव के अंदर देखा, लाइन की तरफ नहीं देखा, केव के अंदर देखा और आवाज देकर क्या कहा, डार्लिंग डू नॉट कुक एनीथिंग फॉर डिनर, आई हैव जस्ट स्पॉटेड अ लाइन। उसने बुल ने इस तरह आवाज़ लगाई जैसे अंदर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई हो कि आज लंच के लिए कुछ मत बनाना, मुझे एक लाइन दिख गया है आज, मैं उसी का लंच करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम नियर, मैं उसके पास आने का वेट कर रहा हूँ। व्हेन द लाइन हर्ड द बुल ही टर्न अराउंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, जब ये बात उसने सुनी लाइन ने तो वो वाकई घबरा गया कि ये कैसा बुल है, ये तो मुझे ही खाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो डर गया और वहाँ से भाग गया। एज ही कॉल सॉ द लाइन रनिंग ब्रेथलेसली, ब्रेथलेसली के मतलब हाँफते हुए, सांस उखड़ रहा था उसका, ये जेकल, जेकल होता सियार, जो जंगल में तो छोटा जानवर होता सियार, उसने लाइन को भागते हुए देखा और उसे देखा कि उसकी सांस भी खुड़ी हुई है। व्हाई आर यू रनिंग मिस्टर लाइन, मिस्टर लाइन आप क्यों भाग रहे हैं, उसने पूछा। आज जेकल द लाइन टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ लाइन ने उसको बता दिया। द बुल हैड मेड ए फूल आउट ऑफ यू, तो जेकल ने क्या कहा, बुल ने तो आपको बेवकूफ बना दिया। रिप्लाइड द जेकल एंड द जेकल एडेड, और उसके बाद जेकल ने कहा कम विद मी, मेरे साथ आइए, टुगेदर वी कैन फीस्ट ऑन द बुल, हम दोनों मिलके उसकी दावत उड़ाएंगे। बट द लायन वॉज टू स्केयर टू बिलीव द जेकल, लायन इतना डरा हुआ था पहले से कि उसको जेकल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लायन इतना डरा हुआ था पहले से कि उसको जेकल की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। द जेकल अंडरस्टूड वाई द लायन वॉज हेजिटेटिंग टू कम विद हिम, अब जेकॉल का लगने लगा कि यह तो मेरे साथ नहीं आने वाला, हेजिटेट कर रहा है, अभी तक इसके मन में डर है, वो समझ गया। ऑल राइट देन, चलो ठीक है, टाई योर टेल विद माइन एंड लेट मी लीड यू टू द केव ऑफ द बुल, ऐसा कीजिए आप अपनी दुम को और मेरी दुम को आपस में बांध दीजिए और मैं आपको लीड करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ केव की तरफ, किसकी केव की तरफ, जहाँ बुल रहता है उस तरफ हम, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप पीछे रहिए। इन केस द बुल अटैक्स देन आई विल बी द वन हु विल गेट कॉट फर्स्ट, द जेकल सेड, जेकल ने क्या कहा, अगर बुल अटैक करता है, जैसे आपको डर लग रहा है, जैसे आप सोच रहे हैं कि बुल अटैक करेगा हमें मार देगा, तो मैं आगे रहूंगा, तो खतरा मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। द लायन एग्रीड टू दिस प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द जेकल, अब जेकल ने जो प्लान बनाया इस बात पर लायन ने एग्री कर लिया कि ऐसे ही चलते हैं। एंड देन द लायन एंड द जेकल टाइड देयर टेल्स टुगेदर, दे सेट ऑफ टू द बुल्स केव, और उसी तरह उन दोनों ने अपनी दुम आपस में बांध ली, जेकल आगे चला, पीछे लाइन चला, और दोनों मिलके बुल के केव की तरफ चल पड़े। बोथ द लाइन एंड द जेकल वेंट नियर द केव वेयर द बुल वाज, दोनों उस केव के पास पहुंच गए जहां बुल था। व्हेन द बुल सॉ द लाइन कमिंग विद द जेकल ही थॉट आई एम श्योर दैट द कनिंग जेकल नोज आई फूल्ड द लाइन, जब बुल ने देखा कि दोनों साथ आ रहे हैं जेकल और लाइन, तो वो समझ गया कि लाइन तो डर गया था, इसका मतलब ये जो कनिंग जेकाल है ना, ये चलाक सियार जो है ना, ये समझा बुझा कर उसको ले आया, क्योंकि इसने मेरी चलाकी पकड़ ली कि मैंने लाइन को बेवकूफ बनाया है, तो अब ये लाइन को पकड़ के ये लाया है, अब वो समझ गया इस बात को। विदाउट पैनिकिंग, बिना डरे घबराए,
पैनिक का मतलब डर से, जब घबरा के बात करते हैं ना हम या घबरा जाते हैं किसी डर से तो उसको कहते हैं पैनिक होना। विदाउट पैनिकिंग, बिना डरे और घबराए द बुल क्राइड आउट टू द जैकाल, बुल ने आवाज लगाकर जैकाल को क्या कहा, आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी टू लायंस, मैंने तुमसे कहा था दो लायन लेकर आना और तुम एक लेकर आ रहे हो, डू यू वॉन्ट मी टू कीप माई चिल्ड्रन हंग्री, तुम ये चाहते हो मेरे बच्चे भूखे रहें। देखा कितना चलाक था बुल। अब इस बात से लायन ऑब्वियसली और डर गया। इवन दिस टाइम द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज अगेन फूलिंग हिम, इस बार भी लायन समझ नहीं पाया कि बुल उसको बेवकूफ बना रहा है, फुलिश बना रहा है। He was terrified. वो और ज्यादा डर गया। Terrified मतलब बहुत ज्यादा डर गया। He ran as fast as he could run, dragging the jackal with him over stones and thorns. और शेर उसके बाद जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा और उसकी दुम क्योंकि जैकाल से बंधी हुई तो जैकाल बीच पीछे खिंचता रहा और टकराता रहा पत्थरों से और कांटों से। The clever bull outwitted his enemies and saved himself from them. चलाक बैल ने अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लिया अपनी समझदारी और बहादुरी की वजह से। Both the lion and the jackal never returned that way. उसके बाद कभी वो लायन और जैकाल उस रास्ते पर उस सड़क पर कभी भी नहीं आया जहां इसका केव था। Thereafter the bull lived in a peaceful and happy life with his wife and children. उसके बाद तो उसकी सारी जिंदगी आराम से गुजरी, शांति से गुजरी अपने बच्चों के फैमिली के साथ। तो ये थी एक स्टोरी एक बुल की, जो समझदार भी था और बहादुर भी था और अपनी फैमिली को और अपने आप को बचाने के लिए उसने तरकीबें भी लगाई, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ किया। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो यू वुड हैव टेकन सम लेसन फ्रॉम द बुल एंड ऑलवेज बी ब्रेव, नेवर बी फ्राइटेंड, नेवर बी स्केयर्ड, ओके, फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, टेस्ट योर सेल्फ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ए क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, द बुल वॉज स्पेस इन द फॉरेस्ट, ही वॉज रनिंग वॉन्डरिंग और हाइडिंग, द बुल वॉज वॉन्डरिंग इधर उधर भटक रहा था। इन द फॉरेस्ट द बुल फाउंड अ केव, ट्री हाउस और फ्रेंड, कौन मिला उसको, क्या मिला, केव, सी ही फाउंड अ केव। नंबर थ्री इज द बुल सीम्ड अ ग्रेट ट्रीट फॉर द लिपर्ड, लाइन और टाइगर, लाइन। द लाइन वॉज टोल्ड दैट द बुल हैड मेड हिम ए फूल बाई ए जैकाल, जैकाल ने बताया था उसको ये बात। The bull befooled both jackal and the lion. Lion and jackal, A. Now the number 6 is the lion thought the jackal was space befooling him, lion's companion or helping him. Usko laga ke jackal bhi usko foolish bana raha hai, fool bana raha hai. So A is the answer. Now B question. Write T for true and F for false. Let us read these statements one by one. Number 1 is the bull began to live a peaceful and happy life at last. Last mein kya hua? उसकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी शांति के साथ। सो दैट इज करेक्ट। नंबर 2 द बुल वॉज स्लीपिंग नियर हिज केव व्हेन ही वॉज अटैक्ड बाय द लायन, नो अटैक तो नहीं हुआ था, सो दिस इज फॉल्स। नंबर 3 इज द फॉक्स टोल्ड द लायन दैट द बुल हैड बिफूल्ड हिम, देयर वॉज नो फॉक्स इन द स्टोरी, सो हाउ इट कैन बी ट्रू, दिस इज फॉल्स। नंबर 4 इज द बुल वॉज मेड फूल बाय द जैकाल, क्या जैकाल ने बुल को फूल बनाया था, नहीं दिस इज नॉट करेक्ट, दिस फॉल्स। नंबर 5 इज द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज फूलिंग हिम, यस दिस इज करेक्ट, सो यू विल राइट टी हियर। नंबर 6 इज द बुल बिकेम वीक इन द फॉरेस्ट, इज दैट ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू, बुल तो बड़ा हेल्दी हो गया था, सो दिस इज फॉल्स। Who said to whom? We have some dialogues from the book and we have to write who said these dialogues and to whom. Okay. Number 1 is, darling, do not cook anything for dinner. I just have spotted a lion. तो ये बोला था बुल ने और बोला था अपनी पत्नी को। तो बुल एंड बुल्स वाइफ या काउ लिख सकते हैं। The bull has made a fool out of you. ये किसने कहा था? जैकाल ने कहा था, and to the lion. All right then. Tie your tail with mine and let me lead you to the cave of the bull. Who said this? Jackal said it, and to whom? To the lion. Okay. Number 4 is, I am sure that the cunning Jackal knows I fooled the lion. Who said this? The bull said this and to himself. So, likhiyega yahan pe bull and to himself. Apne aap se usne baatein karte hue ye socha tha ya bola tha. I had asked you to bring me two lions. Do you want me to keep my children hungry? Who said this dialogue? The bull said this to Jackal. Answer these following questions. Do it yourself.
All right, children. Now, in word rock, write the meaning of the following words. Words are, number one, cunning. इसके मीनिंग क्या हुआ है? दूसरे वर्ड्स में अगर हम लिखें तो clever या shrewd. Number two is anticipation. What is anticipation? Anticipation means expecting something. Something looking forward to in advance. So, expectation लिख देते हैं इसका. Now, number three is panic. Panic is fear, strong fear. So, fear लिख देते हैं अभी. Terrified. Terrified is bigger fear. Highly terrified means highly scared. Scared or feared. Lush. Lush is abundant in quantity or rich in quantity. Okay. So, rich या abundant. दोनों आ सकते हैं. Alright, breathless, having heavy breath or without a breath, having no breath. No breath. Spotted, sighted or found, both. Sighted. Now, bees, where do the following animals live? कुछ जानवरों को नाम, animals के नाम लिखे हैं. इनके घर को हम क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं ये? जैकाल कहाँ रहता है? जंगल में रहता है वैसे तो, बट उसका होम को हम क्या बोलेंगे? डेन. मंकी रहता है ट्री पे. मंकीज होम इज ट्री. स्पैरोज लिव इन नेस्ट. वुडपेकर लिव्स इन ट्रंक ऑफ द ट्री. Lion lives in den or cave. Den. Now, squirrel lives in dray. इसके घर को हम कहते हैं dray. Snake lives in burrow. Hole या burrow? Burrow is better word. Cow lives in shed. आपने देखा होगा cow के घर के हम shed लगाते हैं. Shed बोलते हैं. Now, we are into the next section which is gaming grammar. Complete the following sentences using is, am और are. इन तीन वर्ड्स को यूज करके हमें नीचे वाले सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. रुचि इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? सोचिए, यहां आएगा इज. अ गुड गर्ल. बॉयज प्लूरल है तो क्या आएगा? आर. दिस इज प्रेटी इजी. वेयर आई के साथ क्या आता है? एम. वेयर एम आई? मैं कहां हूं? Where is the notebook? Single notebook की बात कर रहे हैं तो where is the notebook? Is. These plural आ गया शुरू में ही, पता चल गया. These are my story books or these are story books. Are. I am your sister. I के साथ तो am ही आएगा. Now the B question is put the words in the correct columns given below. Box में कुछ वर्ड दिए हुए हैं और दो कॉलम बने हुए हैं. आपने देखा एक साइड लिखा हुआ हैव और एक साइड लिखा हुआ हैज. तो किस वर्ड के साथ हैव आएगा और किस वर्ड के साथ हैज आएगा, उसी हिसाब से हम इनकी क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करेंगे. ज्योति सिंगल है. ज्योति तो हैज में आएगा. ज्योति के साथ हैज यूज करते हैं. द बॉयज इज प्लूरल तो यहां आ जाएगा. माई टीचर सिंगल तो यहां आ जाएगा. नेक्स्ट इज वी प्लूरल. तो इसका फॉर्मूला यही है, प्लूरल के साथ और आई के साथ हम हैव यूज कर सकते हैं. आई हैव और बॉयज हैव और वी हैव. और जो सिंगल नाउन होता है उसके साथ हम हमेशा हैज लगाते हैं. तो अब बाकी का भी आप इसी तरह कर लीजिएगा. Now the question C is rearrange the words and write the correct sentences. Jumbled up sentences हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं. लिखने में भी उस तक गलती हो तो हमें पहले तो उनको rearrange करना है और उनको proper sentence बनाना है. All right, so let us go through it.
was the unhappy camel. Camel unhappy था. इसको ऐसे लिखेंगे the camel was unhappy. The camel was unhappy. Number two, thin has got a legs. A goat has thin legs. ये proper sentence बन जाएगा. A goat has thin legs. Number three is the listening radio is to he. He is listening to the radio. Okay. He is listening to the radio. Number four is flower. This beautiful is a. This is a beautiful flower. This is a perfect sentence. Okay. This is a beautiful flower. Number five is big saw I fish a lake in the. इसको करेंगे I saw a big fish in the where in the lake. I saw a big fish in the lake. Now let us have a look at the next part, which is talk back. इसमें क्या करना है? Your teacher will speak the names of some movements by the animals. Listen carefully and tell which animal makes that movement. कभी हम आवाज़ों की बात करते हैं उनको पहचानने की, इस बारी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट को पहचानने की. आपकी टीचर कुछ मूवमेंट्स आपको बताएंगी और आपको ये पहचानना है कि वो मूवमेंट किस एनिमल की है. ओके, राइटिंग हैंड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 10 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द पिक्चर. ये एक जंगल की पिक्चर है, कुछ एनिमल्स हैं और ग्रास है और ट्रीज है, सब चीज़ें हैं, जंगल का सीन है. इसको ध्यान से देखिए और इसके ऊपर आपको 10 सेंटेंस अपने लिखने हैं. डिस्क्राइब करना अच्छे से, एक एक सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, साउंड बेटर. Read the following words aloud having UE and VE sounds at the end. इसमें क्या हम कर रहे हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स हमने लिए हैं जिसमें UE और VE का साउंड लास्ट में आता है. तो इन वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना है, उनको ठीक से साउंड निकालनी है, ठीक से प्रोनाउंस करना है. Argue, wave, statue, weave, due, avenue, value, solve, have, pursue, serve, continue. So UE और VE के साउंड को हमें ध्यान से प्रोनाउंस करना है. Punctuation. A hyphen is a punctuation mark used to join words and to separate syllables of single word. Hyphen दो तरह से यूज होता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए भी और दो वर्ड्स को बीच में से सेपरेट करने के लिए भी. ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं कई बार जो दो वर्ड्स को अलग अलग मिला के एक वर्ड बनाया गया होता है. तो कभी कभी हम उनको बीच में हाइफन लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि दो वर्ड अलग अलग थे जिनको ज्वाइन किया गया है. अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. प्ले ग्रुप, प्ले और ग्रुप दोनों अलग वर्ड हैं, लेकिन इनको मिला के एक वर्ड भी बनाया जा सकता है, वो है प्ले ग्रुप. या ग्राउंड भी हो सकता है प्ले ग्राउंड, दो अलग अलग वर्ड हैं बट एक वर्ड सिंगल वर्ड बन गया प्ले ग्राउंड. चैट रूम, चैट अलग है, रूम अलग है, बट दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड बना, वो हो गया चैट रूम. तो बीच में हाइफन लगा दिया जिससे हमें पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग वर्ड्स जिनको ज्वाइन किया गया है. Rewrite each word below using a hyphen and a prefix from the box. इस बॉक्स में कुछ हाइफन है और साथ में कुछ प्रीफिक्स हैं. इनको हमें इनमें से किसी वर्ड्स के साथ लगा देना है और उनको परफेक्ट सही वर्ड बनाना है. अब देखते हैं इनमें से ये कौन से प्रीफिक्स और हाइफन किस वर्ड के साथ सूटेबल है. नंबर वन इज टेस्ट. टेस्ट के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं पीछे? प्रीफिक्स क्या हो सकता है? री, रीटेस्ट. टेस्ट होता है और रीटेस्ट होता है. आपके स्कूल में भी होता होगा, जिस बच्चे का मार्क ठीक नहीं आया उसका रीटेस्ट होता है, दोबारा टेस्ट. आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या क्या आ सकता है? पोस्ट आफ्टरनून आ सकता है, मिड आफ्टरनून आ सकता है. मिड आफ्टरनून कर देते हैं. ऑफिस, पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस
टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल के साथ आ सकता है ये है। सर्विस, सर्विस के साथ सेल्फ तो जाता ही है, एक्स भी जा सकता है, सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ सर्विस। सेल, सेल में आपका रीसेल जा सकता है, एक बार एक चीज बिकी जब दोबारा बिकती है तो रीसेल हो जाती है। नोइंग, ऑल नोइंग, एक तो होता है जानकारी और एक होते ऐसी नोइंग मतलब जानने वाला, जिसको जानकारी हो, आई एम नोइंग, एंड ऑल नोइंग मुझे सब पता है, ऑल नोइंग। सो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, देखते हैं इसमें आपको क्या काम करने को दिया गया है। ड्रॉ ए फॉरेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन एंड कलर इट विद द कलर्स ऑफ योर चॉइस इन योर स्क्रैप बुक एंड शो इट टू योर टीचर। आपको अपनी मर्जी से, अपनी इमेजिनेशन से, बिना कहीं देखे एक जंगल का सीन बनाना है अपनी स्क्रैप बुक में, और तरह तरह के मल्टीपल और नए नए कलर यूज करने हैं उसमें, ठीक है। उसको जब सुंदर से बना लेंगे तो अपने टीचर को जरूर दिखाइएगा। हैव यू हर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? What do you think about it? Name some animals that are near extinction. पहले तो हम ये समझते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है। वाइल्ड लाइफ होता है जंगल की जिंदगी, जंगल के जानवर, पेड़ वगैरह। तो आप इस कंजर्वेशन के बारे में क्या जानते हैं वो बताइए, और आपके अपने विचार क्या हैं इसके बारे में वो बताइए। नेम सम एनिमल्स दैट आर नियर एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है जो एनिमल्स इस दुनिया से ख़त्म होने की कगार पर हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पहले कभी थे, हज़ार साल पहले या कुछ सौ साल पहले भी थे, आज वो नज़र नहीं आते, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और नियर एक्सटिंक्शन का मतलब थोड़े से बचे हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। तो इसको, इस पर आपको क्या करना है, इसके कुछ एनिमल्स के रिसर्च करके बताना है कि कौन से जानवर ऐसे हैं इस टाइम, इस समय दुनिया में, जो नियर एक्सटिंक्शन है। ओके, सो दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट एंड अवर वर्ल्ड। लाइफ स्किल, हैव यू एवर मेड फन ऑफ समबडी बिकॉज ही और शी लुक्स डिफरेंट? बच्चों, क्या आपने कभी किसी दूसरे बच्चे का या किसी का भी कभी मजाक उड़ाया है सिर्फ इस कारण से कि वो आपसे अलग दिखता है, देखने में आपसे अलग है? फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज कमिंग फ्रॉम असम और त्रिपुरा, और समबडी इज कमिंग फ्रॉम सदर्न स्टेट, और समबडी इज कमिंग फ्रॉम कश्मीर और गुजरात, वट एवर, आपको डिफरेंट दिख रहा है, इस वजह से क्या आपने उसका कभी मजाक उड़ाया है? क्या ये अच्छी बात है? हाउ वुड यू फील इफ समबडी लाफ्ड एट यू? आपको कैसा लगेगा कि जब आपके ऊपर भी कोई हंसेगा, आपका कोई मजाक उड़ाएगा? सम चिल्ड्रन आर मेकिंग फन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट इन ए क्लास, वट विल यू डू? इसको पूरा रिपीट कर लेता हूँ। हाउ वुड यू फील इफ समबडी लाफ्ड एट यू? सम चिल्ड्रन आर मेकिंग फन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास, वट विल यू डू? अब आप अपने ऊपर सोच के देखिए कि अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो आपका कैसा फील होगा, बुरा लगेगा ना? इसी तरह जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसको भी बहुत बुरा लगता है, उसके दिल को भी बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब आप एक दूसरी सिचुएशन सोच के देखिए कि आपके सामने किसी और का मजाक बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सोच के बताइएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस स्टोरी एंड द एक्सरसाइज। कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी और इसकी एक्सरसाइज? बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला नहीं? सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन ऑल्सो। आई विल कम बैक टू यू अगेन विद अ न्यू सेशन एंड विद अ न्यू स्टोरी। सो टिल देन आई एम टेकिंग अ लीव। बाय।